पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने ट्रेनों के दुर्घटना पर बचाव पर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार कार्य कर रहा है। इसलिए रेलवे ट्रेन की पटरियों का नवीनीकरण कर रही है, जिससे पुरानी पटरियां हटाई जा रही हैं। इसके अलावा मजबूती के लिए पटरियों के वजन को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा यार्ड पर भी कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि बड़ी लाइनों पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, इससे अधिकतर ट्रेनें नए इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही हैं, जो कि ज़्यादा सुरक्षित हैं। इसके अलावा कोचों को बदलकर नया कोच लगाया गया है, जो कि मॉडर्न है और ज़्यादा संरक्षित और सुरक्षित है, जो कि पहले हम सफ़र जैसी ट्रेनों में यह कोच लगते थे, लेकिन अब ज़्यादातर ट्रेनों में इस तरह के कोच लग रहे हैं। और जिन ट्रेनों में नहीं लगा है, उन ट्रेनों में यह कोच लगाया जाएगा। इसके अलावा कलर लाइट सिग्नल लगाया जा रहा है, जो कि क्लिक पर कार्य हो जाता है। उन्होंने बताया कि लगातार पूर्वोत्तर रेलवे आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बैरियर के नीचे से पार करने का प्रयास करते हैं, जिसके जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि रेल दुर्घटना को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे सेफ्टी जो है हमारी पहली प्राथमिकता है, हमेशा रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार कार्य करते हैं, और स्पेशली अगर सेफ्टी की बात करें तो रेलवे तीन महत्वपूर्ण उसके कंपोनेंट हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहला कंपोनेंट होता है ट्रैक, यानी कि जिस पे ट्रेन चलती है, पटरियां। तो रेल की पटरियों की नवीनीकरण किया जा रहा है, जो पुरानी पटरियां थी उनको बदल के नई पटरियां लगाई जा रही हैं। उस पे काफ़ी कार्य हुआ है विगत वर्षों में, और जो मजबूती है पटरियों की वो बढ़ाई गई, यानी कि जो स्लीपर पटरियों में कंक्रीट के लगते हैं उनका वजन बढ़ाया गया है, जो रेल लोहे वाली लगती है उसका वजन बढ़ाया गया है। तो पटरियां और मजबूत और सुदृढ़ हुई हैं। जो यार्ड्स हैं उसमें जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का एरिया होता है उसमें काफ़ी काम किया गया है, नए स्विचेस लगाए गए हैं, जिससे कि और ज़्यादा जो सिस्टम है वो संरक्षित हुआ है। दूसरा कंपोनेंट है आपका रोलिंग स्टॉक का, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन अभी पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में हो चुका है। बड़ी लाइनों पे सारी ट्रेनें हमारी इलेक्ट्रिफाइड ट्रेनें चल रही हैं, तो नए इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही हैं, उसकी वो ज़्यादा संरक्षित है। साथ ही साथ जो आपके कोचेस हैं, वो पहले पुराने कन्वेंशनल ICF कोचेस चलते थे, उनको बदल के LHB कोचेस लगाया गया है। LHB कोचेस मॉडर्न हैं, ज़्यादा संरक्षित और सुरक्षित हैं, ज़्यादा आरामदायक हैं। तो पहले ये कोचेस केवल राजधानी शताब्दी ट्रेनों में लगते थे। अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो हम लोगों को जब हम सफ़र ट्रेन मिली थी उस समय हम सफ़र में इस तरह के कोचेस लगे थे, और अभी ज़्यादातर ट्रेनों में हमारे LHB को कोचेस लग रहे हैं। जिन ट्रेनों में नहीं लग रहे हैं उनका भी प्लान किया गया है कि आने वाले वर्षों में सभी हमारी जो ट्रेनें हैं वो LHB कोचेस से चलाई जाएंगी। साथ ही साथ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो है सिग्नल। सिग्नल में भी कई कार्य किए गए हैं, जैसे पहले जो सेमाफोर सिग्नल हुआ करते थे, कुछ स्टेशन हमारे बचे थे जो मैकेनिकल सिग्नलिंग से चलते थे, उनको चेंज करके कलर लाइट सिग्नल पे हम लोग आए हैं। और उसके बाद से जो पैनल इंटरलॉकिंग हुआ करती थी उसको अभी तेज़ी से हम लोग चेंज कर रहे हैं डिजिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में। इससे जो है क्लिक्स पे ही आपके काम हो जाते हैं, ये सिस्टम ज़्यादा संरक्षित है, इसको रन करना ज़्यादा आसान है, और इसमें अगर कोई फेलियर आता है तो उसकी सूचना भी आसानी से मिल जाती है। तो लगातार पूर्वोत्तर रेलवे मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो अपग्रेडेशन हो रहा है सिस्टम में, उससे सेफ्टी भी इम्प्रूव हो रही है। एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है सेफ्टी के लिहाज से, जब हम लोग बात करते हैं, वो है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग्स पे सुरक्षा के लिए विगत वर्षों में जब हम लोगों ने सभी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग समाप्त कर दिए, तो उससे जो है सुरक्षा संरक्षा काफ़ी बढ़ी है। जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे होने वाले एक्सीडेंट्स पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। अब सारी की सारी मैन लेवल क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ भी कई बार दिखने में आता है कि लोग जो है बैरियर को उठाकर उसके नीचे से जाने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। इसको ठीक करने के लिए वर्ष पर्यंत लगातार हम लोग ड्राइव्स चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, जागरूकता कैंपेन। उसमें जो हमारे स्काउट गाइड के लोग हैं, जो हमारे सेफ्टी की टीम है, वो जाकर लेवल क्रॉसिंग्स के अगल बगल के गाँवों में, जो अगल बगल के स्कूल्स हैं लेवल क्रॉसिंग के बगल में, या जो रोड यूजर्स हैं उनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से,
मैसेज के माध्यम से वन टू वन इंटरेक्ट करके उनको जागरूक किया जाता है कि यह ऐसा घटना बेहद ही खतरनाक है, कभी भी अगर लेवल क्रॉसिंग बंद हो तो उसको पार करने का प्रयास ना करें। सोशल मीडिया और रेडियो और आप लोगों के माध्यम से भी लगातार हम लोग रोड यूजर्स से अपील करते हैं कि कभी भी बंद लेवल क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश ना करें, यह खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ इन मैन लेवल क्रॉसिंग को भी एलिमिनेट किया जा रहा है, आरओबी और आरयूबी बनाकर लगातार इस दिशा में रेलवे कार्य कर रही है और आगे भी हम लोग सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए और कार्य करते रहेंगे। इसमें लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे कर्मचारी संरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स हैं, वो सेंसिटिव हैं पूरी तरह से इसको लेकर, और इसका इंटेंसिव निरीक्षण भी किया जाता है, समय समय पर कैंपेन भी चलाई जाती है, ड्राइव चलाई जाती है सेफ्टी को लेकर। अभी भी सेफ्टी को लेकर दो ड्राइव्स चल रही हैं जिसमें ऑफिसर्स जाकर एक एक जो कंपोनेंट जैसा कि मैंने जिक्र किया उनका निरीक्षण करते हैं, ना सिर्फ निरीक्षण करते हैं बल्कि निरीक्षण में जो पाई गई कमियां हैं उनका भी सुधार देन एंड देयर किया जाता है, और इस तरह से पूरी का पूरा सिस्टम संरक्षा को टॉप प्रायोरिटी मानकर काम कर रहा है। आने वाले समय में हम लोग और संरक्षित और सुरक्षित रेल यात्रा देखेंगे।